नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मर्सा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। राज्यसभा में लगातार क्रॉस वोटिंग के जरिए भाजपा ने बढ़त बना ली, लेकिन भाजपा के ही सहयोगी सुबसपा ओम प्रकाश राजभर को झटका लगाया। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के विधायक ने सपा के पक्ष में वोट कर दिया, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर को ये बड़ा झटका लगा। ये आपको बताते हैं वो कौन से विधायक हैं जिन्होंने सुबसपा को छोड़कर सपा के पक्ष में वोट किया था। राज्यसभा चुनाव के बीच ओम प्रकाश राजभर को लगा बड़ा झटका, इस वजह से उठ रहे हैं सवाल। यूपी की 10 सीटों पर हुए चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। बीजेपी ने जहां बड़ी सीध मारी की, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर को भी बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा के 10 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इन सीटों को जीतने में दोनों दलों की तरफ से सेंधमारी की गई, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सेंधमारी पड़ी रही। बीजेपी ने कुल 8 विधायकों की सेंधमारी की, जिसमें 7 विधायकों ने वोट दिया तो 1 विधायक ने ना वोट कर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी में सेंधमारी की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबसपा के जाफराबाद सीट से विधायक जगदीश नारायण राय ने सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। वो पहले से ही सपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। सुबसपा विधायक का सपा के पक्ष में वोट देने से ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा। दरअसल सुबसपा के मौजूदा 6 विधायकों में से 1 विधायक के जेल में रहने के बाद कुल 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की हामी भरी थी, लेकिन चुनाव के दिन सुबसपा विधायक ने बीजेपी से इतर सपा के प्रत्याशी को वोट कर दिया। जी आपको बता दें कि पहले ही इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि सुबसपा के 2 विधायक सपा के संपर्क में, इसमें एक का नाम जगदीश नारायण राय था और जो वोट के दिन सही साबित हुआ, शहजील इस्लाम को वोट हुआ निरस्त। सपा को 1 नुकसान शहजील इस्लाम के वोट का भी हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम का वोट खारिज कर दिया गया। शहजील इस्लाम ने मत पत्र में निशान लगाने की जगह पीपी लिख दिया। आपको बता दें कि इसके पहले पिछले दिनों हुए विधान परिषद के चुनाव में ही शहजील इस्लाम के वोट को लेकर संशय बरकरार था। सूत्र शहजील इस्लाम के वोट को भाजपा के पक्ष में उस दौरान दिए जाने की बात कहते थे। उनका वोट के खारिज होने से बीजेपी को फायदा हुआ।